टिक्स मॉड्यूल वन जीरो मैथड्स देर आर टू टाइप्स ऑफ सैपलिंग मैथड्स प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबिलिटी सैंपलिंग प्रोबिलिटी सैप्लिंग साम्पलिंग की वो टेक्निक है जिसके अंदर चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इज सेम यानी इस टेक्निक के अंदर जब हम एक पॉपुलेशन में से कोई सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो पूरी पॉपुलेशन में से हर इंडिविजुअल का जो सिलेक्शन का चांस है वो बराबर होता है जबकि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर तमाम इंडिविजुअल के सिलेक्शन का चांस बराबर नहीं होता क्योंकि इस किस्म की सिलेक्शन के अंदर एक्सपर्ट ओपिनियन या बाइसनेस शामिल होती है जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है इसको फर्दर हम डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं जिसमें जो पहली सैंपलिंग है वो रैंडम सैंपलिंग है इसी तरीके से दूसरी जो टाइप है वो सिस्टमैटिक सैंपलिंग थर्ड टाइप स्टेटिफाइड सैंपलिंग फोर्थ टाइप क्लस्टर सैंपलिंग एंड फिफ्थ वन इज मल्टी स्टेज सैंपलिंग इसी तरीके से जो नॉन प्रबलिटी सैंपलिंग है इसको भी हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं इसमें एक कैटेगरी कोटा सैंपलिंग है और दूसरी कैटेगरी परपोसिव सैंपलिंग है अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ए सैम्पलिंग सैम्पलिंग इज बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप फ्रॉम ए पॉपुलेशन यानी इसके अंदर हम पॉपुलेशन में से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सिलेक्ट करते हैं अब जो रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन है जब इसको सिलेक्ट किया जाता है तो जिस पॉपुलेशन में से इसको सिलेक्ट किया जाता है यह पॉपुलेशन बहुत बड़ी भी हो सकती है अब जो सैंपल साइज है सैंपल साइज इतना बड़ा हो सकता है कि आप जो है एक फील्ड में से तमाम पौधों को अपने सैंपल के अंदर शामिल करें या फिर ये इतना छोटा हो सकता है कि उसमें से हम सिलेक्टेड टेन या ट्वेंटी प्लांट्स को सिर्फ सिलेक्ट करें तो ये डिपेंड करता है कि हम सिलेक्शन किस लिए कर रहे हैं हमने इस सैंपल का क्या करना है दूसरी जो डेफिनेशन है सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पॉपुलेशन ये पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है एक पॉपुलेशन के अंदर जब हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी वजह यह होती है कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है जब हमने कोई भी स्टडी करनी होती है या फिर कोई भी रिसर्च रिसर्च वर्क जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम तमाम इंडिविजुअल्स को अपने सैंपल का पार्ट बनाएं, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए तो इसलिए हम उसका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करते हैं हम उसके रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल्स को 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 या को या आइटम्स अपने स्टडी का पार्ट बनाते हैं तो इस वजह से जो सैंपल है इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल पॉपुलेशन अब एक सैंपल जो है उसका साइज कितना होना चाहिए ये डिपेंड करता है लेकिन आमतौर पर जो सैंपल का साइज है इट शुड बी फाइव टू टेन परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अब पॉपुलेशन क्या है पॉपुलेशन इज द टोटल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन एरिया इसमें ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं ये ग्रुप ऑफ एंटिटीज भी हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सौ की क्लास है सौ स्टूडेंट्स हैं तो हम ये सौ स्टूडेंट्स की क्लास को एक पॉपुलेशन कंसिडर कर सकते हैं और इसमें से अगर हम सिर्फ दस इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं तो ये जो दस इंडिविजुअल्स हैं इनको हम सैंपल कहेंगे तो सैंपल एक रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का तो ये कम से कम फाइव टू टेन परसेंट टोटल पॉपुलेशन को कवर करता हो